Chief Minister of Punjab, Sardar Bhagwant Man, to deliver the inaugural address. Thank you very much. Namaskar, Good afternoon. So first of all, on behalf of thirty million people of Punjab, I welcome you in the land of uh, five rivers, gurus, Pats, and the land of hardworking people. So, i now take opportunity to express my sincere appreciation and get you to our guest on the dais mr naresh trihan ji chairman vaidanta group jis tar ohne keh ke jithe punjabi na bolde hon te jithe jhappi na pende hoye utthe dil nahi lagda so i hope ke e dono ne manga jo ohnadiyan pooriya ho jange मिस्टर संजीव पुरी चेयरमैन एंड एमडी ऑफ आईटीसी ग्रुप मिस निशाबा गौदरेज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ गौदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड मिस्टर राकेश भारती मित्तल वाइस चेयरमैन ऑफ भारती ग्रुप और चेयरमैन ऑफ दिस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मिस्टर अरुण मुरगप्पन एमडी ऑफ मुरगप्पा ग्रुप मिस्टर साइमन जॉर्ज प्रेजिडेंट ऑफ कारगिल इंडिया मिस्टर रविकांत जयपुरिया चेयरमैन एंड एम डी ऑफ आरजे ग्रुप मिस्टर राजेश जेतुरीस्कर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मिस्टर प्रभदास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एच एम ई एल एंड ऑल द गेस्ट Through, from throughout the world and uh, different parts of india so i again welcome you in the investment summit 2023 as the speaker all the speakers said that punjab is a land of five rivers Uh, Punjab is a hope and football of India. And Punjabis are global citizens. Throughout the world, there are Punjabis and successful Punjabis. Punjab is the only state which has franchise. There's a big Punjab in Vancouver, Surrey, in BC, Canada. Big Punjab in Edmonton, Calgary. Big Punjab in Toronto. A big Punjab in San Francisco, San Jose, Fremont, Chicago, New York. A big Punjab in Birmingham, London. In Sydney, in Perth. In Melbourne, in Hamilton, Oakland, Singapore, Malaysia, so we are global citizens. And we are very hard-working people. Together, together we can stimulate healthy economic growth. and you are the source of the opportunities that you youth of punjab and india wants to avail. especially these days, this is the best opportunity for india to grow. <laughs> निसाबा बोल रहे थे और भारतीय ग्रुप से बोल रहे थे तो दिल से बोल रहे थे लिख के बोलना दिल से बोलना डिफरेंट बात होती है लिख के सिर्फ आंकड़े बताए जा सकते हैं फिगर्स लेकिन जब बोलते हो वो दिल से निकलना चाहिए तो हमारी जड़ें जो हैं वो पंजाब में हैं पंजाब इज फुल ऑफ आइडियाज बहुत से बड़े बड़े आइडियाज पंजाबियों ने क्रिएट किए हैं चाहे वो जोमैटो फ्लिपकार्ट ओला बहुत बड़े बड़े आइडियाज हमारे स्टार्टअप्स, तब तो स्टार्टअप्स भी नहीं होते थे इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती सो दिस समिट विल नॉट be about MOUs. It will be about knowledge sharing, about brainstorming, and about learning from each other. And I think MOU culture is also outdated now. दिखा देते हैं 25 लाख करोड़ के एम ओ यू हो गए लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता बड़े बड़े लग जाते हैं एग्जीबिशंस पर आता नहीं है कुछ मैं चाहता हूं जो भी आए दिल से आए और पंजाब की धरती जो भी यहां दिल से आता है इतनी बरकत है उसको लॉस नहीं होता कभी पंजाब ने कभी किसी को घाटा नहीं पिया पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है इसीलिए हमने आज आ, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के प्रेस के प्रिंट प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सोशल से उनके चीफ एडिटर्स एडिटर्स सबको बुलाया है यहाँ बैठे हैं वो ताकि वो खुद सुन सकें किसने क्या कहा था क्योंकि तो होता क्या था पहले उनको बाहर रख लिया जाता था यहाँ कुछ और कहते थे बाहर जाके पॉलिटिशियन कुछ और कहते देते थे तो बाद में उनको पता चलता है। ये तो मैंने कहा ही नहीं था भाई ये किस कहाँ से निकलाया तो ये बात नहीं हम आपको माहौल देंगे तो ऑलरेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम, हमें हमें वी आर टॉप फाइव अचीवर स्टेट जो हैं वी आर वन ऑफ इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग डन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पंजाब रिसीव द डिजिटल इंडिया अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया पंजाब जो है वो नई चीजों को नई टेक्नोलॉजी को नए विचारों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है ये हमारे स्वभाव में है हमारी नेचर है चाहे वो आजादी का संग्राम हो चाहे वो हरा इनकलाब हो ग्रीन रेवोल्यूशन चाहे वो किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी हो पंजाब सबसे पहले अडॉप्ट करता पहले क्या था पंजाब के पास सिर्फ एक हाईवे था एन एच वन आप देखोगे तो ज्यादा इंडस्ट्री उसी के आसपास ये शुरू हो जाता शंभू बॉर्डर से राजपुरा फिर मंडी गोविंदगढ़ देन खन्ना देन दोराहा लुधियाना फिलौर गुराया फगवाड़ा जलंधर अप टू धारीवाल अमृतसर से धारीवाल गुरदासपुर बट नाउ डेज रेल कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी एंड रोड कनेक्टिविटी one of the best in the country we have four national highways four domestic airports out of which two will be the international amritsar is already international but uh, no, mohali will be the international airport very soon flights from mohali to heathrow mohali to sfo, mohali to toronto, mohali to the best in the world. and uh, it's a 10-minute, 10, 10 to 20-minute drive from all the industries, it sector, startups, housing, and whatever business you are. and uh, we are starting. न्यू एयरपोर्ट इन हलवारा दैट्स थर्टी किलोमीटर थर्टी फाइव किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लुधियाना सो लुधियाना इज नोन फॉर हॉजरी लुधियाना इज नोन फॉर बाइसाइकल्स टेक्सटाइल मिनी मानचेस्टर भी बोला जाता था लुधियाना को लुधियाना से बहुत से हमारे मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं और पंजाब इज द कंट्रीज लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर एंड कंट्रीब्यूट टू 29 परसेंट ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन द स्टेट रैंक सेकंड इन ट्रैक्टर एक्सपोर्ट विद 22 परसेंट शेयर सोनाली का मिस्टर मित्तल then pre tractors then mahindra and mahindra savraj, and the ceos and uh, officials from tafe, they, they are willing to move into punjab for the north india. so the state uh, has india's 75% share in sports goods manufacturing. This is the key point 75% share in the sports good, goods manufacturing. Stall again? Sports ka stall? Hai k se. And you can see the rugby balls which will be used in september 2023 world cup of rugby made in jalandhar the fifa world cup recently we saw the fifa world cup all the footballs made in jalandhar cricket bats cricket balls made in jalandhar so jalandhar is the hub of sports industry and we are planning to put a very updated and latest sports university in Jalandhar. There's a big scope in sports industry. State contribute eighty percent in bicycle manufacturing, and ninety-two percent of the total bicycle components manufacturing in India. Hero is there, A1 is there. Now they are in. ई वी सेक्टर आल्सो एंड स्टेट ऑफ पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द ई वी पॉलिसी टूडे बी इंट्रोड्यूस द ई वी पॉलिसी सो जब हमने पॉलिसी इंडस्ट्री पॉलिसी ई वी पॉलिसी और लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई हमने स्टेक होल्डर से बात की इंडस्ट्रियल से बात की एम एस एम ई से बात की बड़े इंडस्ट्रियल से बात की छोटे दुकानदार से बात की पॉलिसी। परसेंट ऑफ सजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इज चेंजेबल कई बार प्रैक्टिकल जब करते हैं तब कुछ कमियां बाद में पता चलती हैं तो अगर उसमें कुछ रहेगा तो हम चेंज करते रहेंगे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि पंजाब में एक स्टिक हो जाए या जा स्टक हो जाए कि बस ये बना दिया बस इसी को फॉलो करना लकीर के फकीर नहीं बनेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट इज पेइंग टैक्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इज जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इलेक्शन में देर आर थ्री फोर वेज टू कंपेन इन द इलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बिग रैलीजैन रोड शो दे डोर टू डोर आर वर्कर्स आर वॉल्टियर्स दे नॉक एवरी डोर एंड आस्क फॉर दोट्स हमें वोट देना जी ये हमारा चुनाव चिन्ह है तो फॉर दिस इंडस्ट्री कंपेन जहां पे आज हम बैठे हैं इस सबमिट के लिए मैंने कंपेन के लिए डोर टू डोर वाला तरीका चुना आई विल गो टू यू मैं हैदराबाद गया मैं मुंबई गया वन टू वन मीटिंग हुई घंटा भी लगा एक मीटिंग में दो घंटे भी लगे बातें इंडस्ट्री के बिना भी हुई सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं हुई जैसा कि मुझे पहली बार पता चला कि गोदरेज जो है उसके नान के तो पटियाला में है तो गोदरेज तो हमारा ही है फिर गोदरेज का पानी पी के तो बड़े हुए हैं फ्रिज का तो भारती मित्र वो तो पहले ही हमारा एयरटेल तो पहले ही हमारा है बाकी कारगिल की बात कर रहे थे सर के ए आर वाला कारगिल भी हमारे पास ही है और सी वाला कारगिल भी हमारे पास ही है So, Cargill is very successful and owned by India and especially Punjabis. So, Punjab has global presence and investment from Japan. There are partners, Japan, then USA, UK, UAE, Germany, South Korea, Singapore, Spain, France, Italy. आई विजिट जर्मनी इन बावेरिया स्टेट तो बिल्कुल क्लाइमेट एंड सॉल्यूशंस एंड जो उन उनके पास अब सॉल्यूशंस हैं हम उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं हैं। प्रॉब्लम्स पहले रही होंगी उन्होंने ठीक कर ली तो वो मैच करती थी पंजाब के साथ बायवा कंपनी आई है वो स्टबल बर्निंग में सॉयल कंजर्वेशन में वो आज पी गए हुए हैं मैंने उनको कहा कि यहाँ बैठने की बजाय आप पीएयू में जाओ रास्ते में जाते जाते हमारे खेत देख के जाओ क्या कर सकते हैं कितनी फर्टाइल लैंड है क्या इस पर टेक्निक यूज हो सकती है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ें और फ्रेडनबर्ग है जर्मनी से क्लास है जर्मनी से वर्वीओ आ गई है वो जो स्टबल के वो लहरा काका में उनको प्लांट उनका 18 अक्टूबर को उनका प्लांट चल गया था सो दे नीड वन लैख मीट्रिक टन ऑफ पराली पर ईयर सो दैट मीन्स अराउंड फिफ्टी थाउजेंड एकड़ उसमें पराली नहीं जलेगी और वो बायोगैस बना रहे हैं इंडियन ऑयल के साथ उनका कर, और जो भी उनका एनओसी ये वो था वो सब हमने दे दी अब मैं इसी बात पे आता हूं मेरे पास एक इंडस्ट्रिस्ट आए पंद्रह बीस दिन के बाद बड़ा नाम उन्होंने कहा कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा पंजाब में और इससे इतना एम्प्लॉयमेंट जो है जो, जो जनरेट होगा और मैं लैंड मेरे पास खुद है मैं लैंड में बाय करूंगा बस एक चीज चाहिए मैंने कहा जी क्या चाहिए? कहते जी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए मैंने कहा जी मिलेगी जी सर पहले जो गवर्नमेंट थी उनके पास भी हम आए थे कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिली मैंने कहा जी चलो पहले वालों की बात छोड़ दो बस मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए मैंने कहा जी बिल्कुल मिलेगी मिलेगी तो बस अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ा काम होगा तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है ना हमारे साथ मैंने सोचा गवर्नमेंट सपोर्ट पे बहुत जोर दे रहे हैं जो मतलब वजन उस पर रख के बोल रहे हैं मैंने कहा वट काइंड ऑफ मैंने सोचा क्या चाहिए होगा बिजली का टैरिफ के बारे में बात कर लेंगे सी एल यू के बारे में बात कर लेंगे या मुझे लैंड बैंक जो जो है आपकी उसमें से जमीन दे दो ऐसा कुछ कर लेंगे मैंने कहा वट जी गवर्नमेंट से मुझे स्पोर्ट चाहिए तंग मत करना जी ये स्पोर्ट चाहिए अच्छे मुझे हैरानी भी हुई दुख भी हुआ कि मतलब सरकारें जो हैं वो तंग करने के लिए नहीं बनाई जाती सरकारें फैसिलिटी देने के लिए सहूलत देने के लिए बनाई जाती है तो मैं आपको इन द अदर वे कह रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी लेकिन तंग करने वाली नहीं ऊपर उठाने वाली अगर जो एग्जिस्टिंग है यहां वो अपना प्लांट बढ़ाइए जो यहां नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज एंड रेवोल्यूशनरी स्टेप हमने लिए ऑल द डिसीजन मेकिंग टीम ऑफ माई गवर्नमेंट इज देर ऑफिसर सीएल आपने जमीन खरीद ली आपने नाभा के पास जमीन खरीद ली आपने मोगा के पास जमीन खरीद ली फैक्ट्री लगानी है सी उसके लिए छ महीने कम से कम बुधवार आ जाना वीरवार आ जाना वो बुधवार वीरवार आते ही नहीं है चलो छ महीने बाद कहीं हो, हो गया किसी न किसी तरीके से काम हो गया मंदिर में माथा टेक के आए शुक्र है भगवान काम हो गया अभी सोच ही रहे थे कि काम हो गया पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाले आ गए उनके चक्कर फिर उनका हो गया फायर वाले आ गए उनका हो गया फॉरेस्ट वाले आ गए साल डेढ़ साल ऐसे लगा जमीन खरीद ली थी यू बाय द लैंड एटलीस्ट ईयर हाफ ईयर्स बट फॉर्मेलिटीज वो पूरी नहीं हो रही गवर्नमेंट की उसमें भी पैसे लग रहे हैं नाउ हम क्या कर रहे हैं हमने आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकाला है इसकी इसके सोल्यूशन के लिए तो दिलीप जी वो कब तक हमारा रेडी हो जाएगा वो फिफ्टीन डेज दस पंद्रह दिन में हम उस पर रेडी हो जाएंगे प्रोसेस में है सो वी आर गिविंग अ कलर कोडिंग टू द पेपर्स इफ यू बाय लैंड फॉर इंडस्ट्री यू हैव टू बाय ग्रीन कलर ऑफ स्टैम्प पेपर मे बी कॉस्टली हो सकता है एंड गिव अस टेन फिफ्टीन डेज एंड गिव अस द एड्रेस ऑफ योर लैंड

कोई आपके पास ऑफिसर आए छह महीने में एक साल में यू जस्ट हैव टू शो द स्टैम्प पेपर द ग्रीन कलर द ग्रीन कलर स्टैम्प पेपर मीन्स यू हैव एवरी काइंड ऑफ एनओसी सेम इन हाउसिंग मे बी रेड एंड हाउसिंग के चार्जेस हम उसमें चार्ज कर लेंगे हाँ हाउसिंग के लिए आपने कॉलोनी जमीन खरीद ली वो कलोनी घर नहीं बिके तो आपने कहा जी मैं तो यहाँ इंडस्ट्री लगा लेता हूँ जितनी बच गई लेकिन तब हम कहेंगे फिर कि आपके पास स्टैम्प पेपर कौन सा है वो रेड दिखाएगा तो हमने कहा इसके लिए तो ग्रीन चाहिए होगा आपने ग्रीन क्यों नहीं खरीदा सो so, आपको रेड और ग्रीन के बीच जो डिफरेंस है वो पे करना पड़ेगा देन वी विल चेंज इट टू तो ग्रीन और जो एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर जो सेल डीड होती है वो नॉर्मल येलो जो भी कलेक्टर रेट है उस पर होती रहेगी खेती के लिए जमीन खरीदी खेती ही करने वाले वाले ने बेची उसकी में कोई दिक्कत तो सी एल यू ये वो वर्ड्स जो है ना ये वर्ड्स पंजाब में आपको सुनने को ही नहीं मिलेंगे ये सीएलू ये एनओ सी ये इन 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 नामों इन नाम से ना सी एल यू नाम से डर लगने लगा है यार ये क्या हो ये तो पंगा होता है यार बस So, वो पंगे वाला काम जो है वो खत्म करने वाले हैं हम और मैं क्योंकि मैं इतना बड़ा मैंडेट लेके आए हम पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज देर 92 टू आउट ऑफ वन वन सेवन सो लोगों को उम्मीद है जब हम चुनाव प्रचार कर रहे थे श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई में तब लोगों को भी हम गारंटियां दे रहे थे वी आर गिविंग गारंटीज टू पीपल दैट वी विल जनरेट लॉट्स एंड लॉड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पंजाब वो कौन करेगा वो तो फिर आपके बिना हो नहीं सकेगी तो इसीलिए हम हमारा एक ही आपसे डिमांड है दो यूनिट लगाने का प्लान है हम तीन यूनिट की आपको परमिशन दे देंगे लेकिन अगर आप 500 लड़के लड़कियों को काम दे रहे हो तो उसमें सात सौ कर दो हजार कर दो ताकि हमारे यूथ को काम मिल जाए अगर यूथ को काम मिल गया वो यूथ है जिसने पहले देश बदला जिसने देश जब इम्पोर्ट करते थे हम आ, अनाज तो हमको एक्सपोर्ट करने लायक एक बना दिया वो वो धरती जो है वो उसके बारिश भगत सिंह के बारिश पीरों फकीरों के हमारे इस पास हैं तो इंडस्ट्री जो है मैं जैसे पहला कहा अभी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सिटीज में ही रहें उसमें क्या है कि जो मेरा आइडिया है उसमें हम ये चाहते हैं कि थोड़ा पंजाब के अंदर जाइए रूरल एरियाज ऑफ पंजाब फरीदकोट मोगा सुनाम धूरी संगरूर मानसा बठिंडा सेम डिस्टेंस फ्रॉम डेली थ्री आवर्स थ्री आवर्स ड्राइव फ्रॉम डेली एंड देर आर फोर हाईवेज नेशनल हाईवेज आर देयर अभी जम्मू कटड़ा दिल्ली कटड़ा बन रहा है ऑलरेडी लुधियाना टू संगरूर बाया जींद बाया रोहतक बन चुका है गांव तक जाता है आगे बठिंडा जामनगर बन रहा है तो क्योंकि अगर आप शहर में आओगे जमीन भी थोड़ा कॉस्टली मिलेगी लेबर को माइग्रेट करना पड़ेगा तो लेबर नया घर खरीदेगी कमरा खरीदेंगे बच्चों को लाएगा स्कूल पढ़ाने के लिए उसकी सारी सेविंग उसी में चली जाएगी बजाय इसके कि हम लेबर के पास पहुंच जाएं जमीन भी आपको सस्ती मिलेगी और वो भी शाम को अपने घर जाएगा सुबह वो फ्रेश होकर ज्यादा एनर्जी से आपके पास आएगा सो फॉर दैट गवर्नमेंट इज डेवलपिंग इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप टेकन ए मेजर डिसीजन टू बिल्ड ट्वेंटी रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड फिफ्टीन इंडस्ट्रियल पार्क रूरल वी विल गिव यू द इंडस्ट्रियल पार्क फोकल पॉइंट है फोकल पॉइंट बना देती है गवर्नमेंट लेकिन फोकल पॉइंट बना के कहते जी हमारी जिम्मेदारी खत्म है आपकी बहुत सी इंडस्ट्री होगी फोकल पॉइंट में आपके जॉइंट वेंचर वाली कंपनी आई जर्मनी से इंग्लैंड से दो फॉरनर्स आए आपके जो पार्टनर है उनको अपने फैक्ट्री में लेके जाना है गाड़ी तो है मर्सिडीज भी है बीएमडब्ल्यू है सब कुछ है लेकिन आपको डर ये है यार उस सड़क से ले पाऊँ, लेके जाऊंगा तो क्या सोचेगा ये तो कुछ जो इंडस्ट जो फोकल पॉइंट की और इंडस्ट्री एरिया की सड़कें हैं ना वो एक बार बना के किसी ने देखी नहीं सड़क बची है या नहीं कहीं कहीं सड़क भी है वहां सही है ना जी तो दिल में ये आता है ना यार क्या सोचेगा ये कि यार यहाँ फैक्ट्री आपकी तो हम उसके लिए बजट में भी आने वाले बजट में दस मार्च को बजट पेश करें उसमें भी रखेंगे एंड सी जो आप देते हो हम चाहते हैं उसमें से कोई कुछ परसेंटेज ऐसी रख लीजिए जो सी एस आर की जो जो पैसा है वो आप ही पर खर्च किया जाए कनाल सिस्टम को हम आपके पास लाना चाहते हैं धरती का पानी निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है और है भी नहीं पंजाब में और हम पार्टीशन से पहले का कनाल सिस्टम है उसको अपडेट करने में अभी से लगे हुए हैं हम हर फैक्ट्री तक हर खेत तक कनाल वाटर चला जाए तो पंजाब जैसा कोई पूरा स्टेट पंजाब जैसा दुनिया में पंजाब जैसा कोई सूबा नहीं है फूड प्रोसेसिंग में आ जाइए पठानकोट से ज़्यादा मीठी लीची नहीं बन सकती कहीं मिल ही नहीं सकती बोहर फाजिलका के किन्नूज लुधियाना के और जलंधर के पटेटोज कपूरथला का गार्लिक होशियारपुर के पॉपुलर और आम मैंगोज पूरे पंजाब का गन्ना जो मर्जी प्रोसेस करो और इतनी फर्टाइल लैंड है जो मर्जी बीज दो उग जाएगा बीज फेंक दो थोड़ी सी नमी चाहिए उग जाएगा सब बीज उग जाते हैं पंजाब में एक मैं आपको दिल से ही देता हूं कि ये वो स्टेट है जहां हर किस्म के बीज उग जाते हैं एक नफरत का बीज यहां उगता नहीं सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है हम ये छोटे मोटे झगड़ों में या कोई उसमें नहीं पड़ते हमें गुरु नानक साहब ने कहा है कि सरबत भला नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत की भलाई मांगने वाली गुरबानी हमारी गुरु है शब्द गुरु सो अभी कहीं भी दुनिया में कोई क्राइसिस आ जाए अभी यूक्रेन और रशिया की आपस में जंग चल रही है अभी टर्की में और सीरिया में अर्थ को का तो आपको बाकी चीजें देखने को मिले ना मिले पंजाबियों का लंगर जरूर मिल जाएगा अगले दिन आपको कहीं से भी आए वो कहते हैं जी ये लाइन में लग जाओ और लंगर लेते जाओ तो हम लोग जो हैं वो इमोशनल लोग हैं पंजाबी देश के लिए सबसे बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां है जो हैं हमारे पंजाब की हैं और आज़ादी लेने के लिए भी कुर्बानी है और आज़ादी को कायम रखने के लिए भी हमारी कुर्बानी है आज भी हमारे जवान जो है सीना तान के खड़े हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पंजाब की तरफ या देश की तरफ किसी बुरी नज़र से देख ले वो सो तो ये भी हम आपको मेक श्योर sure करते हैं कि आपको इतना अच्छा क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे डाइस पे बिजनेसमैन बैठे हैं उनके ऑलरेडी काम है यहाँ किसी किस्म का दिक्कत नहीं है अभी टाटा स्टील लुधियाना में उन्होंने शुरू किया है बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर इन लुधियाना सनातन टेक्सटाइल उन्होंने भी आए हैं उनके भी जो हाँ बैठे हैं बैठे हैं उन्होंने भी राजपुरा के पास जमीन खरीद ली है और जैसा मैंने कहा फ्रेडनबर्ग जर्मनी की कंपनी है सेंसर बनाते हैं कारों के क्लास पहले ही है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि उन्होंने देखा है कि हाँ काम करने का माहौल है पहले माहौल नहीं था इसीलिए कुछ आए और बैड एक्सपीरियंस लेके चले गए लेकिन हम उनको वापस लेके आएंगे हमारे पंजाबी में कहावत है सवेर द भुलिया जो शाम न घर आज उन्हें भुलिया नहीं कहें अगर सुबह का भटका हुआ शाम को अपने घर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते तो परिवार जो है आप हमारे परिवार के मेंबर हो आई वेलकम यू इन फैमिली ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एंड थर्टी मिलियन पीपल आप यहां का हिस्सा बनो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको आने वाले दिनों में लेटेस्ट टेक्निक्स भी बदल जाती हैं हर रोज उसके हिसाब से हम भी बदलेंगे सोला मेडिकल कॉलेज पंजाब में हम बनाने जा रहे हैं तीन का उद्घाटन हो गया बनने शुरू हो गए हैं सोलह हमारा टारगेट है और वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू द स्कूल ऑफ एमिनेंस वन हंड्रेड एंड सेवन सेवनटीन सीट्स आर देयर विधानसभा सीट्स विधानसभा है जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्डिंग की कोचिंग उस फील्डिंग की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी ताकि वो बारहवीं तक जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएं एक्सपर्ट बन जाए हो सकता है आपको पहले साल जब पहले इनिशियल जो फैक्ट्री आपकी आएगी या मैन्युफैक्चरिंग या जिसमें भी जिस फील्ड में भी हो आपको इनिशियली बेंगलौर से या पूना से मुंबई से एक्सपर्ट लाने पड़े लेकिन हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि हमें बता देना कि वो एक्सपर्ट जो है वो उन्होंने कौन सी डिग्री की है एक साल में वही डिग्री वही स्किल पैदा करके हम आपको यहीं से वो जो है स्किल्ड पीपल आपको प्रोवाइड करवा देंगे जलंधर लुधियाना अमृतसर पठानकोट मोहाली खास तौर पे तो बहुत से मेरे मित्र बैठे हैं जो मेरे साथ ट्रेवल भी करते हैं ये बताने के लिए क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो शायद ये लगेगा पॉलिटिकल स्पीच है जी ऐसा कैसे हो सकता है वो अगर जो काम यहाँ कर रहा है दस साल से बीस साल से पच्चीस साल से अगर वो कहेगा मेरा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा मायने रखता है अगर वो गारंटर बन जाएगा तो ज्यादा आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि अगर इन्होंने कहा है तो कुछ ना कुछ उसमें तो कोरोना कोविड नाइन्टीन के बाद एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए पंजाब सबसे अच्छी स्टेट है और हमारे यूथ में एनर्जी है बस उनको काम मिल जाए वो आपके काम को तीन चार गुना बढ़ाएंगे क्योंकि पंजाबी जो है वो ऐसे सीधा कर, अकेला काम नहीं करता वो कुछ ना कुछ और भी करता रहता साथ में कोई आइडिया जुगाड़ लफज डिक्शनरी को पंजाबियों ने दिया है कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं वो किसी क्योंकि पता क्या है कई बार क्या होता है मैं जब चेन्नई गया तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए मुझे मिलने उन्होंने मुझे कहा जब मैंने बताया दिखाया हमने के के यादव साहब ने पूरा जब स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दी पंजाब की उसने कहा जी हमें तो आज पता चला है कि दिल्ली के आगे भी देश है मैंने कहा जी असली देश तो दिल्ली के आगे ही है आइए तो सही आप एक बार तो कई बार नहीं पता चलता पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक चिड़ियाघर में एक शेर था वो लोगों से डरता था जैसे ही लोग उसके पास आते थे पिंजरे के पास फोटो खिंचवाने के, के लिए वो मुंह छुपा लेता था तो चिड़ियाघर के जो ऑर्गेनाइजर थे वो बहुत परेशान हुए यार इसकी वजह से लोग टिकटे ले रहे हैं ये फोटो भी नहीं खिंचवा रहा डरता है लोगों से तो उन्होंने डिस्कवरी चैनल के एक्सपर्ट बुला लिए लंदन से के ये देखो शेर क्यों रहता है उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए उसपे चौबीस घंटे उसकी सर्वेलेंस में रखा और पंद्रह दिन पूरा उसका एक्टिविटी जांच उसकी तारीफ की आफ्टर फिफ्टीन डेज दे रीच टू अ स्टनिंग रिजल्ट उन्होंने कहा जी इसकी मां भी पिंजरे में थी ये पैदा ही पिंजरे में हुआ है इसलिए इसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं शेर को जितनी देर माहौल नहीं मिलेगा वो शेर नहीं बनेगा शेर जब जंगल में अपने झुंड को बड़े बड़े भैंसों को बड़े बड़े हिरनों को जिराफ को गर्दन से पकड़कर मारते हुए देखता है तब वो अपने पंजे हा, हाथ पांव हिलाता है तब धीरे धीरे वो शेर बनता है तो पंजाबी जो है वो पिंजरे में रहना जानते नहीं है वो तो नेचुरल जंगल के शेर हैं वो तो अपना भूखा रह लेंगे लेकिन शिकार अपना खुद करेंगे तो आप इस धरती पे आपको कोई किसी किस्म की कमी हॉस्पिटैलिटी के लिए वैसे भी जाने जाते हैं हम लोग आज कल, कल कल कर देंगे जो आज साग और मक्की की रोटी तो आएगी ना हाँ वाइट वाइट कलर का मक्खन होगा सीधा भैंस से ही आता है हमारे यहाँ मक्खन बीच में प्रोसेसिंग नहीं है उसकी कोई तो हॉस्पिटलिटी के लिए हम जाने जाते हैं और आपका आदर मान सत्कार करेंगे हमारे पंजाब के बारे में मशहूर है कि पंजाब भारत एक मुंदरी भारत एक मुंदरी और पंजाब नगीना आए कोई यहाँ दो दिन के लिए रहता है सवा महीना तो आप यहाँ अगर कई सालों के लिए आओगे तो कई साल आगे तक आप यहीं रहोगे और मैं एक क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया गया मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो मैं हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पहुँचे अभी दो दिन चलेगा समिट और मीडिया भी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मीडिया का कॉर्नर है अगर आपने कुछ भी बताना है अगर कोई आपको पूछता है तो आप जो भी बताना चाहते हो वो वहाँ बता सकते हैं और साथ साथ में एग्जीबिशन भी है और नॉलेज शेयरिंग भी होगी एक दूसरे से हो सकता है आपस में कुछ ऐसे लोग मिल जाए जिनके एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में आपको जो है वो फ़ायदा हो तो मैं आज शाम को कल्चरल शाम भी है तो क्योंकि कल्चरल स्टेट है आप एयरपोर्ट पे देख ही लिया होगा आपने कि हम लोग तो अपने गेस्ट का वेलकम भी फुलकारी ओढ़ कर और ढोल बजा कर करते हैं Once again, I welcome you all to the Invest Punjab Summit. I'm assuring you that you will invest in the best. That's called Punjab. Thank you very much.